सो नमस्कार, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। पिछले वीडियो में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं, स्केल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया था मैंने आपको। और मैं आज आपको थोड़ा बहुत अंडू कैसे करना है, रीडू कैसे करना है, 3D Max के दूसरे जो शॉर्टकट है जिससे आप 3D Max पूरा इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, उस शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पहले एक बॉक्स लेंगे, ये पहले मैंने आपको समझाया था, क्रिएट पैनल है, उसमें यहाँ पे आएगा हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहला ऑप्शन जो हम आज देखने वाले हैं वो स्टैंडर्ड पिरामिड्स, उसमें यहाँ पे सब स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं। उसमें यहाँ पे बॉक्स दिया है, कॉन दिया है, स्पीयर दिया है, जियो। उसमें हम सबसे पहले बॉक्स देखेंगे। बॉक्स में यहाँ पे इसके पैरामीटर आ रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट एंड हाइट सेगमेंट। ठीक है, इतना पोर्शन आज हम समझेंगे बॉक्स का और सभी ऑब्जेक्ट का, कि सेगमेंट क्या होते हैं, लेंथ कैसे एग्जैक्ट डिफाइन करेंगे, क्यूब बनाना है, सिंपल बॉक्स बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट किया तो क्यूब क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन मेथड बॉक्स, तो ये हम बॉक्स बनाएंगे, देन सिलेक्ट करेंगे क्यूब, तो यहाँ से डायरेक्ट इजीली क्यूब बनेगा पूरा, जिसमें आपको विथ और हाइट डिफाइन नहीं करनी होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स लेंगे हम, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, सिंपल क्यूब सिलेक्ट था, यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, हाइट डिफाइन करेंगे। और अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी अगर हमने एक स्टेप गलत कर दिया है, तो उसको हम कैसे बैक जा सकते हैं, कैसे उस स्टेप को हम अनडू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो अनडू और रीडू दो ऑप्शन दिए हैं। शॉर्टकट इसका क्या है, तो शॉर्टकट का इसका कंट्रोल जेड, जो ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर में होता है, और कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं। अगर होल्ड करना है तो आप कंट्रोल एच कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पे दिया कंट्रोल जेड, यानी बैक स्टेप एक। फिर जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यहाँ से क्लिक किया, इसके यहाँ से मूव टूल लिया, मूव करने के बाद अब मुझे अंडू करना है, यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड, रीडू करना है कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कितनी बार कर सकते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं अगर खुद का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अंडू में अगर आपको कुछ भी सेटिंग करना है, कितनी बार आपको रीडू चाहिए, तो यहाँ पे दिया है सेंस अंडू 20 है अभी बाय डिफॉल्ट, ये आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव किया, यहाँ से कुछ भी रोटेट कर दिया, स्केल कर दिया है, रोटेट कर दिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैंने बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। अब मुझे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, आप 20 बार अंडू कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में इतना आता है। आप उसको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से बढ़ाएंगे। कस्टमाइज में जाएंगे, जाएंगे प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में आएगा यहाँ पे अंडू लेवल, अंडू सीन्स, अंडू अंडू लेवल कितना चाहिए, मुझे चाहिए 50, 50 पे मैं क्लिक करूँगा, तो अब हम मैं 50 बार इसमें रीडू कर सकता हूँ और अंडू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था सिंपल हमारा अंडू रीडू कैसे करेंगे। उसके बाद है हमारा दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली कैसे पैरामीटर ऐड करके बनाएंगे। अब यहाँ से मैंने एक बॉक्स ले लिया है, और बॉक्स लेने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बॉक्स लिया, ड्रॉ कर दिया क्लिक एंड ड्रैग करके। अब यहाँ से जो प्लस का सिंबल है, यानी कि क्रिएशन का जो पैनल है, उसके बाजू में एक दूसरा पैनल है जिसको कहते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी कि जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस किसी भी रेफ हो, लाइट हो, कैमरा हो, जो हमारा सिलेक्टेड 3D Max में ऑब्जेक्ट है, हमारा जो भी कैमराज है, लाइट है, किसी भी पोर्शन को मुझे क्या करना है, सिंपल
मॉडिफाई करना है, जो चीज़ ऑलरेडी हमने बनाई है, जो हमने कुछ भी क्रिएशन किया है, उस क्रिएशन में मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन करने हैं, उसके लिए जो पैनल का यूज़ करना है, जो ऑप्शंस का हमें यूज़ करना है, उसको कहते हैं मॉडिफाई पैनल। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट के पैरामीटर थे वो वहीं यहाँ पे ही आ जाएंगे। ये अभी बॉक्स है, सिलेक्शन बता रहा है, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे ये सब बताऊँगा। अभी हम पैरामीटर समझते हैं बॉक्स के। यहाँ पे लेंथ दिया है, तो लेंथ अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करना है, विथ चेंज करना है ऑब्जेक्ट का, या तो फिर हाइट। अब मान लीजिए मुझे 100 विथ और 100 लेंथ रख के एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी 100x100 का, तो मैं यहाँ पे 100 ऐड करूँगा, 100 ऐड करूँगा और एंटर दूँगा। तो अभी जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो 100x100 है, विथ और लेंथ इसकी 100 है। अब मुझे हाइट इसकी रखनी है सिंपल 10, तो मैं 10 की वैल्यू ऐड करूँगा। उसके बाद नीचे है दोस्तों सेगमेंट, सेगमेंट में लेंथ विथ और हाइट। अब सेगमेंट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे का वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और आगे का वीडियो ज़रूर देखिए, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।